प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। लखनऊ का ये ऐसबाग इलाका है, ये चित्ता खेड़ा है जो माधवनगर में आता है। हम वहाँ मौजूद हैं जहाँ इस इलाके में लगभग 250 ज़्यादा ऐसे मकान हैं जो आपको ये बड़े बड़े मकान दिखाई दे रहे हैं। इसमें LDA ने एक नोटिस लगाई है और ये कहा है कि ये अवैध कब्जा है, इसको खाली किया जाए, अन्यथा इसको खाली कराने के लिए बुलडोजर भी चलाया जा सकता है। ये नोटिस लगाई गई है LDA की तरफ से और नोटिस में ये चस्पा किया गया है। ये बताया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12/7/2022 के समांतर में इंडस्ट्रियल एरिया योजना ऐसबाग स्थित भूखंड संख्या 3/3 व 3/2 की अवशेष भूमि का कब्जा लिए जाने के संबंध में ये परमजीत बनाम यहाँ के जो लोग हैं वो एक मुकदमा है, उसके तहत इस ज़मीन को खाली कराने के लिए यहाँ पे लोगों को नोटिस चस्पा की गई है। यहाँ बहुत सारे मकान हैं जो बड़े बड़े मकान बने हुए हैं, 50 साल से लोग रहे हैं, इनका कहना है। कुछ मकान मालिक भी हैं जिनसे हम बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। इसमें ये भी लिखा है कि इससे पहले भी नोटिस आपको दी जा चुकी है और ये अभी जो नोटिस दी गई है, इसको लेकर के प्रशासन ने आपसे कुछ कहा भी है? अभी तो हम लोगों से कुछ कहा नहीं, सिर्फ नोटिस चस्पा करके चले गए हैं। आप बताइए यहाँ कब से रह रहे हैं आप लोग? यहाँ हम रह रहे हैं 50 साल से। 50 साल से जी, हमारे ससुर एक्सपायर हो गए, सास एक्सपायर हो गई, अब हम लोग की भी आधी ज़िंदगी बीत गई यहीं पे। जब यहाँ नोटिस आई उसके बाद आप लोगों को पता चला कि ये ज़मीन किसी और की है? हाँ, तभी पता चला। नहीं, हमारे ससुर खरीदे थे, जो एक्सपायर हो गए वो खरीदे थे यहाँ पे, खरीद के उन्होंने बनवाया है। जब नोटिस मिली उसके बाद आप लोगों ने कुछ किया कि कैसे पता चला कि आप जो ज़मीन ली थी आपने वो गलत ज़मीन थी, ज़मीन किसी और की है? अब ये तो सब वही बता सकते थे, लेकिन अब हम ये इतना तो बता नहीं पाएंगे। अब क्या कर रहे हैं आप लोग जब LDA ने नोटिस लगा दी है लखनऊ प्राधिकरण? अब क्या करेंगे, अब बताने की कोशिश तो सब लोग करते हैं, उसी तरीके से हम भी कोशिश करें कि भगवान की दर बच जाए मेरी ज़मीन। हमारे कहीं और ठिकाना तो है नहीं, जो हम लोग कहाँ जाएंगे। कहा जा रहा है कि फैक्ट्री का एरिया है एक? नहीं, फैक्ट्री उधर है कि मिल के तरफ से था, इधर हमारे सामने तो कुछ नहीं हुआ है, हमारे सामने मकान ही रहे हैं। 35 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, हम 35 साल में शादी हो गए तब से हम तो यहाँ सब मकान ही हैं, कोई नए नहीं बने हैं। खाली करने के लिए कहा गया है? हाँ, खाली करने के लिए तो कहा गया है, नोटिस लगी है। क्या करेंगे आप लोग, खाली करेंगे? अब ऑप्शन क्या है मेरे पास, जब आएंगे गिराएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, तब तक के लिए तो वही बैठे ही। सरकार से ही निवेदन है कि हम लोगों को बेघर ना किया जाए, हम लोगों को हमारा आशियाना ना छीना जाए। एक तरफ तो सरकार सबको घर दे रही है और दूसरी तरफ जो हम लोग 50 साल से यहाँ रह रहे हैं, हमारे बाबा जी रह रहे हैं, हमारे पिताजी रह रहे हैं, उनको हम लोग को बेघर किया जा रहा है। तो सरकार से हम लोग यही गुजारिश कर रहे हैं कि हम लोग को बेघर ना किया जाए। कुछ डर है क्योंकि लगातार बुलडोजर चल रहा है लोगों की ज़मीनों पर, इस तरीके अवैध ज़मीनों पर गिरा दिया जा रहा है, तो जब से नोटिस चस्पा उसके बाद कुछ डर है? उसके बाद से बहुत डर है हम लोगों के बीच में, हम लोग अब वही है कि किसी से कुछ बयां नहीं कर सकते, यही डर है। रात में नींद नहीं आ सकती कि कब आकर गिरा दें, क्या कर सकते हैं, सरकार है उनकी, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, और आपके पास जाने का कोई ऑप्शन नहीं कहीं और? हमारे पास और कोई जगह भी नहीं है कि जहाँ हम जाकर शरण ले सकते हैं। कितने आवास हैं लगभग यहाँ जिनको नोटिस चस्पा की गई है? लगभग 190 घर हैं। जी, क्या कह के नोटिस में चस्पा किया गया, क्या कहा गया, आप लोगों को कुछ पता होगा कि क्या कहा गया है कि ये ज़मीन किसकी है और क्यों? अब क्योंकि मैं फोर्स आए थे वो लोग, किसी को कुछ बोलने की अनुमति भी नहीं थी, फोर्स के बीच में हम लोग जाते या तो मार खाते, तो इसलिए हम लोग कुछ बोलने की अनुमति नहीं थी, सिर्फ आए और नोटिस चस्पा करके चले गए। जैसे कोई कह रहा है कि जो फैक्ट्री जो परमजीत है इन्होंने कहा है कि भाई ये हमारे जो लोग रह रहे हैं यहाँ पे, ये हमारे लेबर हैं, इन्होंने आवास बना के ले लिया, आप खाली कराया जाए, क्या स्ट्रेटजी थी, ये तो वही जान सकते हैं कि उन्होंने क्यों किया ऐसा और क्यों क्यों लगाया, शायद उनका आपसी विवाद रहा होगा। लेकिन अब उनकी झूठ के चक्कर में हम ग्रामवासी परेशान हो रहे हैं ना, हम लोग कॉलोनी में रह रहे हैं, हम लोग परेशान हो रहे हैं। आप लोग बिल्कुल पता नहीं किसकी ज़मीन है, क्या कुछ ज़मीन, आपको ये पता कि हमारी ज़मीन है? भाई, हम इस घर में हमारे बाबा रह रहे थे, हमारे पिताजी रह रहे थे, हम रह रहे हैं, तो ये हमको यही पता है कि हमारी ज़मीन है, ये तभी हमारा घर है। आज तक कोई नहीं टोकने आया, अचानक ये कैसे हो गया कि सब लोग कह रहे हैं कि सरकार की ज़मीन हो गई, अवैध ज़मीन में रह रहे हैं हम लोग। तो ये है लोगों का मन, चेहरे में उदासी जब से नोटिस लगी हुई है, और लोगों की कहना कि हमें पता ही नहीं, हमें तो ये मालूम है कि हमारा घर है, हमारी ज़मीन है, लेकिन नोटिस लगने के बाद ये पता चला है कि भाई कोई और इस पे ये कह रहा है कि हक जता रहा है कि हमारी ज़मीन है। फिलहाल तब से डर है कि किस दिन क्या हो सकता है पता नहीं है,
हर दिन अब डर के माहौल में कट रहा है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। इधर भी एक ही बात है, आपके वहाँ भी नोटिस लगी है? अच्छा, आपका घर वो है? तो क्या लग रहा है, घर खाली और खाली कर रहे हैं आप लोग? अभी तो नहीं खाली कर रहे हैं। क्या कहा गया, कुछ कहा गया प्रशासन की तरफ? कहा गया कि नोटिस 1 तारीख तक खाली कर दो। 1 तारीख? हाँ जी जी। बताइए, मैं इतने साल से रह रहे हैं, इतने पुराने लोग हैं, हमारे सासुर लोग यहाँ रहते थे, 22 साल हमारी शादी को, हमारे हस्बैंड यहीं पैदा हुए हैं, जैसे 50 साल के हो रहे हैं, तो बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? कह रहे कि अवैध कब्जा किया था आप लोगों ने? अगर ये अवैध अगर था तो पहले हम लोग को क्यों बनाने दिया? क्यों नहीं पहले ही से रोक लिए होते? क्यों नहीं रोका गया इतने सालों से? हम लोग इतने साल से यहाँ रह रहे हैं, अगर उनका था तो उनको पहले से रोकना चाहिए था, इनको यहाँ पर ना बनाने देते तो हम लोग आगे ना बढ़ते। अभी तक कहाँ थे, जब सबका बन गया तो उन लोगों को दिख रहा है। अब नोटिस लगने के बाद कितना डर है कि भाई किसी दिन भी आके गिराया जा सकता है? हाँ, डर तो है ही है, डर तो लगा ही है कि कभी भी आ सकते हैं। क्या सोच रहे हैं आप लोग, क्या करेंगे? अरे क्या सोच रहे हैं, क्या होगा, जो होगा वही देखा जाएगा। क्या सोचे ना क्या है, क्या सोचना इसमें क्या है, ये बताइए। मन में ये तो शंका हो रही होगी कि आसना छिन रहा है हमारा। वो तो है ही है, ये तो शंका, जबकि यहाँ अगर लग गई है नोटिस तो शंका तो बनी ही रहेगी। लगातार बुलडोजर जा रहा है, गिरा रहा है चीजों को। आप लोगों भी दहशत है मन में थोड़ा सा? बिल्कुल दहशत है, बिल्कुल दहशत है। भैया चल रही है, हम लोग जब से रह रहे हैं यहाँ पर, और अम्मी वो मेरी खड़ी है, देखिए कितनी बूढ़ी है। हाँ, इतने दिनों से रह रहे हैं, अगर पता होता तो क्यों बनता यहाँ, और क्यों यहाँ रहता कोई, है ना? वो भी कहीं और अपना लेके रहता, लेकिन अब वही है कि अब हम लोग रह रहे हैं, हम लोग को दिक्कत हो रही है, वो हम लोग को निकाल के फेंक देंगे, बताइए हम लोग कहाँ जाएं? इतने बड़े बड़े आवास बने हुए लोगों के, और सरकार की तरफ से नोटिस लगी, इसमें कहा गया कि अवैध रूप से आप लोगों ने कब्जा किया है। अरे जब किया था जिन लोगों ने, तब उन्होंने क्यों नहीं बोला, अब क्यों बोल रहे हैं? मतलब उनको पहले से अवैध नहीं दिखा था? अब पहले नहीं दिखा था, अब दिख रहा है उनको? अगर अवैध, इतने सालों से रह रहे हैं, 3 पीढ़ी निकल गई यहाँ पर, हम लोग रह रहे हैं जब से, तब से उनको नहीं दिखा, अब दिखा? बच्चों की पढ़ाई सब नष्ट हो रही है हम लोगों की। ये दूसरी नोटिस से कहा गया है, जो नोटिस लगी इसमें कहा गया है, इससे पहले भी एक नोटिस आप लोगों को दी गई है, उसके बाद आप लोगों ने कोई इकट्ठा होकर के कोई सरकार के पास गया, कोई कुछ निवेदन किया सरकार से? अरे कोई नहीं सुनता है, जब तक सब जगह गए तो थे, जब कोई सुनता ही नहीं तो क्या किया जाए। कितना डर बना हुआ लोगों के भैया, बहुत डर बना है, लेकिन अब क्या किया जाए बताइए। रात में इंसान सो नहीं पाता है, बैठा रहता है रात के रात। अब हम लोग से पूछिए कि हम लोग को कितना कष्ट है, पर किसी के आगे रोते नहीं, रोने से कुछ होगा नहीं, जो होगा वो तो देखा ही जाएगा। कुछ सलाह कर रहे होंगे ना कि जाएं, किसी को मिला जाए, किसी से कहा जाए? भैया कोई नहीं सुनता, जब ऐसी आफत आती कोई सुनता उनता नहीं है, चाहे जिसके पास चले जाएँ आप। तो ये देखिए, जो बात कर रहे थे हम, लोगों में डर है और ये चिंता है कि आशियाना उनका कहीं छीन ना जाए। फिलहाल अभी आस है कि शायद सरकार की तरफ से कुछ ऐसा फरमान दोबारा आए और ये कहा जाए कि भाई आपको कुछ राहत मिले। कुछ आदमी हमारे साथ खड़े हैं, हम उनसे ही बात करेंगे कि जो नोटिस लगाई गई है, उस नोटिस लगाने के बाद किस तरीके का माहौल है। लगभग 200 लोग हैं यहाँ पर जिनके घर में नोटिस लगाई गई है, कितनी चिंता सता रही है आप लोगों को? क्योंकि चिंता जा रहा, उनको चिंता सताया कि जीवन पाल दिया आदमी ने यहाँ अपना पूरा, तो कष्ट तो सबको ही होगा। अब सरकार इस बात का जवाब दे, 173,000 वर्ग फीट है उनका, और नपाई कराया कायदे से फिर से 173 बोले, कहाँ तक 73 बताए सबको, जहाँ तक 73 है अपना वो देखें। भाई कहा जा रहा है अवैध कब्जा आप लोगों ने किया, उसके बाद आपने मकान बनाया, जो नोटिस में लिखा हुआ है, हम नहीं कह रहे मैंने, हाँ अवैध जहाँ तक अवैध नपाएँ तो 173 ना, उसमें 173,000 वर्ग फीट है, वो अपना नापे अपना भाई, पब्लिक का यही कहना है। शासन की तरफ से क्या कहा गया है? शासन की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, चिट्ठी है। कब तक खाली करने के लिए कहा गया है? नोटिस आई है 25, एक हफ्ते का, एक तक के टाइम है। तो आप लोग खाली कर रहे हैं? अब हम लोग खाली करेंगे, मेरा तो उधर पीछे का मकान रहता है, मेरा उधर है नहीं। अच्छा, जो लोग हैं वो खाली कर रहे हैं क्या है? भाई सभी खाली, ऐसा योजना बना रहे हैं कि जाया जाए सरकार के पास, कहा जाए, रिक्वेस्ट की जाए, कुछ किया जाए ऐसा कुछ? तो अपनी बात रखने के लिए सभी तैयार हैं भाई, कैसे सुन ले, आदमी ने पूरा जीवन यहाँ अपन किया है, उनके बाबा दादा सब खत्म हो गए, तो आदमी करेगा ही ना चीज़ के लिए, पूरा का पूरा एक मोहल्ला है। हाँ पूरा एक, वो पट्टी पूरी है, पट्टी आई है। कितनी संख्या में लोग होंगे लगभग, अगर आपसे बात करें? मेरे हिसाब से कम नहीं होंगे तो 2600-2700 लोग से ऊपर होंगे, 3,000 समथिंग लोग वो प्लस ही होंगे, ज़्यादा होंगे, 5 के आसपास। तो ये लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से जो नोटिस लगी है वो 190 घरों में लगी है, जिसमें लगभग 3,000 से ज़्यादा लोग बसेंगे। इन 3,000 लोगों के सर पे जो छत है उसका खतरा मंडरा रहा है, जब से नोटिस लगी है
और डर के माहौल में लोग जी रहे हैं कि किस दिन बाबा के बुलडोजर इधर घूमे और पता लगा कि ये जो बने बनाए मकान हैं ये ध्वस्त कर लिए जाएँ। शायद मिल करके लोग कुछ योजना बना रहे हैं सरकार से रिक्वेस्ट करने के लिए कि शायद कोई ऐसा फरमान सरकार का आए दोबारा जो ये कहा जाए कि भाई हम लोगों को राहत मिले। फिलहाल क्या होगा ये तो सरकार तय करेगी, लेकिन यहाँ डर का माहौल है पूरी तरीके से। 50 साल से लोग रह रहे हैं, 3-3 पीढ़ियाँ लोगों की गुजर गई हैं, और आज जब ये जो फरमान आया है, इससे पहले भी जो फरमान आया था उसको लोगों ने हल्के में लिया, लेकिन अभी जो फरमान आया एक हफ्ते का टाइम मांगा गया है, इससे लोगों में दहशत जरूर है, डर का माहौल जरूर है। मैं रजनीश यादव, प्रभात खबर, लखनऊ। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।